मॉर्निंग एवरीवन, आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। देखिए चावल और घी देखिए और थोड़ा सा नमक देखिए, मेरे हस्बैंड का नाश्ता है ये। और यहाँ पर है आलू का पकौड़ा, अंडा देखिए, ये खा के अभी वो ड्यूटी चला जाएगा। घर के ड्रेस पहन रहा है देखिए, मतलब रेडी कर रहा है। अच्छा बीजी, इतना बिजी कौन है, मेरा हस्बैंड ही है। छोड़ इधर देखो, क्या आलू का पकौड़ा कैसा लगा? खबर खाए खाए जैसा लग रहा है ना, खबर नहीं खाया, याद नहीं है तुम्हें? नहीं नहीं, कहीं किसी ने बना के दिया था आलू। दाजुर को मां रुक पता, वहाँ बना था दीदी के, वहाँ से मैंने सीखा है ये। अभी से सीखा? हाँ। अच्छा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोग कैसे बताना जरूर, हम लोग सभी अच्छे। और हाँ, तो ये पकौड़ा मैंने जब हम लोग गए थे ना वहाँ पर लामाहट्टा गया था ना, वहाँ पर वो दीदी ने, भाभी जी ने तो ऐसा आलू का पकौड़ा बनाया था, वो बहुत टेस्टी हुआ था। तो इसलिए मैंने भी आज मैंने दीदी से पूछा था कि दीदी क्या क्या डाला था, तो दीदी ने बोला था, तो मैंने भी आज बनाया। ये है आलू का पकौड़ा, और आलू बॉयल लगेगा, इसमें अंडा लगेगा और कॉर्नफ्लावर तो जरूर से लगेगा। कॉर्नफ्लावर, एक ठो अंडा, आलू बॉयल और नमक देखिए, थोड़ा सा बेसन देखिए, थोड़ा सा प्याज भी दीजिए, प्याज मिर्ची दीजिए देखिए, पेस्ट करके। दीदी के जैसे तो नहीं हुआ, लेकिन हस्बैंड तो बोल रहा है टेस्टी हुआ है, लेकिन दीदी के जैसे तो नहीं हुआ शायद, पर खाया था ना बहुत टेस्ट लगा था मुझे बहुत। तो मैंने भी ट्राई किया कैसा होता है, देखते हैं। पूरा पीछे तो सुबह सुबह देखिए घर का हालत, देखिए घर का हालत कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ, देखिए तो देखिए तो। वो अभी ड्यूटी चला गया, कल मैं थोड़ा सा मैं बाहर गई थी तो घर का हालत ऐसा हो गया। ठीक है, अब सब काम करती हूँ। कैसा लगा तुम्हें ये कप? बहुत अच्छा लगा। साफ किया और इस कपड़े को ऊपर रखना है, ये सब धुला हुआ कपड़ा है, सब ऊपर रखना है। तो है यहाँ पर है चावल, यहाँ पर है कलाई दाल, कलाई दाल है, और यहाँ पर है फूलगोभी, बीन्स और आलू, क्या क्या देखे फ्राई किया भाजी। और यहाँ पर है तिल का चटनी, यहाँ पर है साग, पर है मछली, यहाँ पर भी है भापा, कातोल भापा, इसे कहते हैं कातोल भापा। ये हो गया टाइम, अभी मुझे पूजा करना है, मम्मी पापा को चाय दे दिया, मैं पूजा कर लूंगी। कहाँ कहाँ पर रखा हूँ पहले, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। देखिए अभी अभी घर आया मैं ड्यूटी से, तो बीवी हो तो ऐसी है, बीवी ने सब एकदम रेडी कर दिया है मेरे टिफिन के लिए। देखिए ये टिफिन रेडी कर दिया है, ऐसी बीवी को कोई भूल सकता है? ऐसी बीवी को कोई जाने दे सकता है कहीं, कहीं घर के बाहर कहीं?
अभी जाने के लिए तैयारी हो रहा है वहाँ पर का गरुड़ पुराण हो रहा है? नहीं, पुराण पुराण हो रहा है वहाँ जाने के लिए एकदम तैयार। चले जाओ तो प्रवचन सुन के आओ। सहेली भी इतना बोलते हैं कि आओ आओ। लक्ष्मी बहनी हाँ, पप्पू दीदी भी है, उसका दीदी है ना। अच्छा, अच्छा। पप्पू दी वो भी बोल रहा है आओ ना उधर, उन लोग का उधर ही हो रहा है ना। हाँ, वो साथ में हो रहा है। आओ ना बोल रहा है तो जाके आती हूँ। उन लोग बुलाने से नहीं, बुलाने से भी मुझे जाना पड़ता क्योंकि वहाँ पर कुछ पूजा हो रहा है ना। हाँ। जाना चाहिए ना। ठीक है, पूजा में तो जाना चाहिए। हाँ? थोड़ा दूर है ना गांव, उसी दूसरे गांव में है। समय तो नहीं मिलता है इधर। सास ससुर को देखभाल, टाइम में खाना पीना, इधर बेटी को, इधर हस्बैंड को, क्या करूँ। और घर को, घर को भी देखभाल करना पड़ता है। हाँ। क्या करें, बेचारी कर रहा है, क्या करें। देखिए टिफिन, क्या बोल रहे थे? क्या मम्मी पापा का हो गया? दे ओ अच्छा, ठीक है। तो हो गया टिफिन, ठीक है, जल्दी आना। ठीक है, तो अभी हम लोग जेठानी देवरानी जा रहे हैं ना। हाँ, तो मेरा वीडियो में तो ये तो रहती है हमेशा। देखिए उस दिन का चॉकलेट आज भी है। देखिए चॉकलेट खा रहा है। क्या हो गया, क्या क्या तीखा लग गया क्या? थोड़ा छोटा मुझे भी दो, मैंने तो अभी तक खाया नहीं ये चॉकलेट। क्या कर रहे हो उधर, उधर क्यों मुंह घुमा रहे हो? हाँ, उधर क्यों मुंह घुमा रहे हो? छोटा दो मुझे, दो पापा का, दो छोटा। देखा, अरे ये मुझे दिल नहीं लगेगा, मुझे चॉकलेट दो। ये दिल देके मैं क्या करूँगा? दो चॉकलेट दो। बड़ा एक पीस ही देता, क्या दे रहे हो ये? हाँ हाँ वैसे दो। ये क्या मेरे बेटे ने दिया ये? अभी तक खत्म नहीं हुआ चॉकलेट। क्या बोल रहे हो? और तुम जाओगे उधर? अच्छा ठीक है, चलो जाओ। मन की मैं क्या जानू और तीखे मन की अरे महादेव हजुर, तपाईँहरू यहाँ हजुर, उहाँ दक्ष प्रजापतिले अग्निकुण्ड लगाइरहेको छ, तपाईँहरूलाई निमन्त्रणा छैन र? जब धर्मसभा लागेको थियो नि त्यो समयमा मेरो प्रभुको ध्यानमा यति चिन्तित थिएँ कि मैले हजुरको बुवालाई बोलाउनै बिर्सेँ। त्यही भएर हजुरको बुवा हामीदेखि अलिकति दुःखी हुनुहुन्छ, त्यस्तो केही कारण होइन सती माता। सती माता, जुन जग्गामा बोलाएको हुन्न नि, जुन जग्गामा निमन्त्रणा हुन्न, त्यो जग्गामा जानु उचित हुँदैन सती माता, त्यसैले हामी त्यहाँ नगएकै राम्रो। जुम न स्वामी, पिताश्रीले हामीलाई भुल्नु भएको होला, एकपल्ट गएर आउँदा त केही छैन। बस सती बस, मैले हजुरलाई एकचोटि होइन दुईचोटि होइन बारम्बार भनिरहेको छु, योग्य कुण्डमा जानु उचित छैन भनेर। यदि हजुरलाई जानु मन छ नि हजुर दादा हुन्छ,
मैं आपको ट्रबल को ध्यान में लग्छु जानुस् अरे सती आयो तिमी तिमी मात्र आयो कि पाखंडी भोलनाथ पनि आयो हा त्यस्तो नभन्नुस् पिताश्री जो भए पनि वहाँ मेरो स्वामी हो अरे म गर्छु अपमान सर्पको माला लाउने खरारी जस्तै भूत प्रेत लिएर हिँड्ने किन गरिन अपमान गर्छु अपमान बस पिताश्री बस म अब आफ्नो स्वामीको अझै अपमान सुन्न सक्दिन के गर्छु तिमी यदि तपाईँले अझै अपमान गर्नुभयो भने म यही अग्निकुण्डमा आफ्नो प्राण त्यागदिन्छु वा सती वा तिमी आउँछु आफ्नो पितालाई धम्किदिने अरे म गर्छु अपमान त्यो कुनै भोलेनाथ होइन त्यो पाखण्डी हो पाखण्डी ॐ नमः शिवाय दस मिनट ही है बारह बजने के लिए
भजन में बहुत मजा आया नहीं, भजन में मजा आया, भजन में जो भी बहुत मजा आया। राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे, बहुत डांस किया ये मैंने, सब लोग डांस किया, अच्छा लगा। राधे राधे, और घर से तो फोन आ रहा है ना, गए हम लोग का खाना भी नहीं हुआ अभी तक। चढ़ा दिया क्योंकि ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कम है तो चावल हस्बैंड को दे दूंगी खाना, बाद में खाऊंगी मैं। मेरे बेटी